बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम काशकर दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दो कदम ताला आप जहाँ भी रहें खुश रहो आबाद रहें। दोस्तों आज हम एक बार फिर मौजूद हैं फिनल क्रॉप सौंफ की का खेत में। हमने बहुत सी वीडियो सौंफ के बारे में बना चुके हैं, उसकी कल्टीवेशन के हवाले से, फर्टिलाइज़र प्लान के हवाले से, एवरेज के हवाले से, ज़मीन की तैयारी, सीड की जर्मिनेशन वगैरह सब कुछ हम बना चुके हैं। तो कुछ हमारे काशकर दोस्तों ने जो कि कमेंट बॉक्स में कहा है कि हमें डिजीज़ के बारे में भी बताएं कि सौंफ में लगने वाली बीमारियां और डिजीज़ कौन सी है और हम उस पर कैसे बर वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारे में यही बात करेंगे कि फिनल क्रॉप यानी सौंफ के खेत में कौन सी बीमारियां लगती हैं, डिजीज़ लगती हैं, हम उन पर वक्त पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने फसल को डिजीज़ लगने बीमारी लगने से पहले कैसे बचा सकते हैं और कौन सी जहर इस्तेमाल करें या किस तरह की पेस्ट वगैरह लगती हैं। तो इस सारे वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो हम नए नए वीडियोज़ बनाते हैं फसलों के मुतालिक वो आपको बर वक्त पहुँच सके। तो अब बात करते हैं इसकी डिजीज़ यानी बीमार लगने वाली बीमारियों के मुतालिक। सौंफ के फसल में लगने वाली बीमारियां अक्सर जो हैं वो मौसम की बदलने की वजह से लगती हैं, जिसमें आप ऐसा करके जब ये गोब की हालत में आ चुकी होती हैं, जैसे कि ये फसल है ये बीमारी लगने वाली स्टेज है क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, आपकी सौंफ की जो फसल है वो अगेती हो या लास्ट हो, जब अचानक मौसम चेंज होता हो रहा है या चेंज हो गया होता है तो अचानक उसमें दो किस्म की बीमारी लगती हैं, डिजीज़ लगती हैं। एक तो एफिड का बहुत ज़्यादा उस पर असर अंदाज होता है, लगती है क्योंकि दिन में बहुत खुश्की हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है, इस वजह से। दूसरा महला जिसको बोला जाता है वो लग जाता है। तीसरा वो जब शदीद गर्मी हो जाती है दिन को तो ये जो दाने हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं, यानी आप ऐसा करें कि गर्मी की शिद्दत की वजह से, आपको दिखा रहा हूँ ये इस तरह से, ये आपको सामने ये जल रहे हुए हैं। अगर आपकी फसल में ये हो रहा है इसका भी हम बात करेंगे कि इससे अपने फसल को कैसे बचाएं। अगर डिजीज़ लगती है बीमारियां कोई और लगती है या जो डिजीज़ लगती है बीमारियां कीड़ों की शक्ल में, उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर फसल के दाने जल रहे हैं, जलना शुरू होते हैं, उसका कोई इलाज कोई ख़ास नहीं। सबसे पहले तो इलाज ये है कि आप एहतियात करें। एहतियात से मुराद कि आप जब गर्मी आना शुरू हो जाए उससे पहले यानी फरवरी की पहले पहले आप कोई भी जो है ना एडवांस स्प्रे करें ताकि फसल में कुव्वत मुदाफियत वाले जो है ना कोई भी स्प्रे अच्छी कंपनी का अमाइनो एसिड हो या एनपीके का स्प्रे लाजमी करें ताकि मौसमी जो हालात हैं मौसम की वजह से जो भी बीमारियां लगें या जो इसके दाने जलना शुरू वो नहीं हो गए, क्योंकि उसमें कुव्वत मुदाफियत बढ़ जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप अपनी फसल में जो है वो आधी बोरी पोटाश की जब गोब की हालत में हो लाजमी दे। इससे क्या होगा कि आपके दाने मजबूत हो जाएंगे और इससे ज़्यादा स्प्रे से ज़्यादा जो है ना कुव्वत मुदाफियत इसकी बढ़ जाएगी बीमारियों के खिलाफ। आप चलते हैं कि कौन सी डिजीज़ बीमारियां कौन सी ख़ास तौर पे लगती हैं। इसको डिजीज़ जो है ना एफिड बोला जाता है, जो गंदम में भी लगती है वही इस फसल में भी लगती है। तो अगर आप एफिड नज़र आएँ, एफिड अक्सर 15 फरवरी के बाद ही लगती है जब ज़्यादातर गर्मियाँ मोस्टली आ चुकी हों, लास्ट यानी गोब की लास्ट की मराल जो होती हैं फिनल क्रॉप के सौंफ के, तब लगती है। उसके लिए हमको सबसे पहले तो अपनी फसल पर तजुर्बा हरगिज़ नहीं करना, कोई भी ऐसी पेस्टिसाइड की नहीं इस्तेमाल करनी जिसकी पीएच लेवल हाई हो, क्योंकि ये एक नाजुक फसल होता है, बिल्कुल नाजुक होता है। अगर थोड़ा सा भी आप गलत करें तो ये फसल आपकी जलकर राख हो जाएगी। आपको करना क्या है कि जिस पेस्टिसाइड की जिस जहर की पीएच कम हो आपने वो अपने फसल पर अप्लाई करनी है। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, ऐसी जहर जिसकी पीएच यानी गर्मी ज़्यादा ना हो, हेवी जहर ना हो,
वो इस्तेमाल करनी है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपकी फिनिल क्रॉप में एफिड लगती है या कोई और डिजीज लगती है तो आप जो है ना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कम इस्तेमाल करें पेस्टिसाइड को। और आप लगती है तो मजबूरन आप फ्लुनेकामाइड जो है ना 300 ml पर एकड़ पर इस्तेमाल करें, उसके साथ एनपीके किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का, दोनों मैं तो कह रहा हूँ दोनों आप एनपीके हो या अमाइनो एसिड हो, अगर आप नया सवेरा बायर जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है उनके इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो जहर हमारे माल के लिए भी अच्छी होती है और उसकी पीएच कम होती है, तो वो डब्ल्यूएचओ के हदायत के एन मुताबिक होती हैं। तो नेशनल जो हमारी पेस्टिसाइड कंपनी है आप उससे अवॉइड करें, कोई भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें जो आपको अच्छी लगे उसमें करें, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी होना लाजमी है। तो फिर अगेन फिर लगती है आपके फिनिल क्रॉप पर तो आप 300 ml पर एकड़ आपने इस्तेमाल करनी है फ्लुनेकामाइड, और उसके साथ एनपीके ज़रूर शामिल कीजिएगा। और अगर उससे भी अच्छी बात, अगर आप अमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड होगा, तो इंशाल्लाह आप इस पर जो है ना पर वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। और लाजमी लास्ट पानी पर आप गोब की जब शक्ल में इस कंडीशन में हो तो आप अपनी फसल में आधी बोरी पोटाश की देना ज़रूरी समझता हूँ मैं, ज़रूर दें, जैसे आपकी एवरेज में भी खतर ख्वा इजाफा होगा और जो फीनल क्रॉप के जो दाने हैं उसमें वज़न भी अच्छा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कर दीजिएगा, अगर कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ही मैंने शिकायत और राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।